हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको नायरा कट कुर्ती बना के बताएंगे छोटे बच्चे की। तो ये इसका पहले हमने कटिंग कर ली थी दूसरे वीडियो में, आप देख सकते हो। तो इसका हमने 3.5 इंच गला लिया है, इस गले को कटिंग कर लेते हैं। ये हमने गला कटिंग कर लिया है, तो इसका भी हम गला कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना है और 3 इंच पे यहाँ से निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमने 2 पट्टियाँ लिए। अब हम इसको हमें इस पट्टी को लगाना है इस पे ऊपर। तो ये से फोल्ड करके हमें नीचे से पट्टी को लगाना है। इस तरह से हमें पट्टी लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने उरेबी पट्टी लिए। आप गला बुकरम से भी बना सकते हो, ये छोटे बच्चे का है तो हमने पाइपिंग के साथ बना रहे हैं। तो इसके अंदर हमें गोटा अटैच करना है। यहाँ से हमें कट लगा लेने हैं। तो हमें इस तरह से अंदर डाल के इसमें गोटा लगा देना है। इस तरह से ये हमने गोटा लगा दिया है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रेडीमेड की तरह लुक आ रहा है। अब हम पीछे का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पे सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इस ये स्लीव से इसको फोल्ड कर लेंगे नीचे से। ये हमने स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें गोटा लगाएंगे। तो ये हमने 2 फीस कर लिए गोटे के। तो हमें गोटा लगा देना है दोनों स्लीव्स में। तो फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। हमें यहाँ से स्लीव्स अटैच करना है। इस तरह से धीरे धीरे हमें स्लीव्स अटैच करनी है। अब इस साइड से इस साइड लाना है। ये हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हमें दूसरी ओर स्लीव्स अटैच करना है। ये हमने दोनों साइड में स्लीव्स अटैच कर लिए। अब हम इसके नीचे वाला पल्ला बनाएंगे। पहले हम यहाँ से कमर का नाप ले लेते हैं कि कितना कमर का नाप आ रहा है। तो हमारी कमर का नाप 21 इंच है। तो हमें यहाँ से 10.5 लेना है। अब ये जो हमने पल्ले दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है, यहाँ से हमारा 10.5 आ रहा है। तो हमें 10.5 का प्लेट डाल के तैयार करना है। इस तरह से हमें प्लेट डालने हैं।
ये हमारा 10:30 तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ये हमने तैयार कर लिया है, अब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें बैक पार्ट को भी तैयार करना है। ये हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है, अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। पहले हमें गोटा लगाना है। इस तरह से हमें सारे में गोटा लगा लेना है। ये हमने गोटा लगा लिया है, दोनों पार्ट में गोटा लगा लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ से। तो हमें स्लीव्स की गोलाई नाप लेनी है। हमारी 7 इंच स्लीव्स की नाप है तो हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। हम यहाँ से डबल सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमें इधर की साइड भी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नायरा कट बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें साइड में डोरी लगाएंगे। तो ये हमने डोरी बना ली है। तो यहाँ से हमें डोरी लगानी है। अब हमें इस साइड भी डोरी लगानी है। ये हमने दोनों साइड में डोरी लगा ली है। हम एक पल्ले से ऊंची ही रखनी है डोरी। ये बचे हुए कपड़े का हमें इसमें डिजाइन बनाना है, मतलब लटकन बनानी है सिंपल वाली। आप इसे डिजाइन देके भी बना सकते हो। ये हमने 7 से 8 साल की लड़की के लिए बनाया है। तो फ्रेंड्स, देखिए कैसा लुक आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा।